हूँ जो कि फुल ऑफ वेजीज है और बिल्कुल देसी स्टाइल में बनने वाली है आटा मैक्रोनी। तो ये कैसे बनती है चलिए आइए देखते। मैंने एक कप आटा लिया हुआ है और ये वेजिटेबल्स लिए हुए हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसका यूज करिए। और तड़के के लिए मैंने जीरा, राई दाना, प्याज कटी हुई लंबी लंबी काटनी है, और ये मसाले हैं मैजिक मैगी मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटे में थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि हमारी जो आटा मैक्रोनी है वो फीकी ना लगे। एंड फिर अच्छे से मिक्स करके जैसे हम रोटी का आटा नीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही नीट कर लेंगे। आपने सूजी की मैक्रोनी तो बहुत खाई होगी बाजार की बनी हुई, बट ये घर की मैक्रोनी है वो भी आटे से बनी हुई है। तो ये देखिए जैसे हम रोटी का आटा नीट करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने ये साटे को नीट कर लिया है। अब मैं एक बहुत बड़ी सी रोटी को बेलूंगी। तो इस हमको जो ये रोटी मैं बेल रही हूं वो थोड़ी सी देखिए थिक होनी चाहिए, रोटी की तरह पतली नहीं बेलना है इसको। मेरी ये रोटी रेडी हो गई है और इसकी देखिए थिकनेस, देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और अब मैं ये कटर है मेरे पास, कटर की हेल्प से इसमें इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैं कर लूंगी। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, और ये जो मेरा जो आटा बचा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा, इसको भी अभी मैं राउंड करके इसको बेलकर इसके सर्कल बना लूंगी। ये देखिए मेरे ये इस तरीके से रेडी हो गए हैं। और आप देखिए मैंने इस तरीके से करा, देन ये देखिए बो की तरह शेप दिया। कुछ नहीं करना है, जस्ट मिडिल से हमको प्रेस करना है और ये बो शेप बन गया। लुक बच्चों को भी ये बहुत ही शेप पसंद आएगा, आप कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे मार्केट में मैक्रोनी के होते हैं। ये देखिए, और अब मैंने यहाँ पे पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब ये पानी में एक उबाल आ जाएगा मैंने जो शेप बनाए थे आटे के मैक्रोनी शेप उसको इसमें डाल देंगे और पकने देंगे। मेरे ये सारे आटा मैक्रोनी के जो शेप थे वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको बॉयल वाटर में डालूंगी कुक होने के लिए। तो इधर मेरा ये वाटर देखिए बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें सारे डाल दूंगी। देखिए अभी ये नीचे हैं, ये जब पक जाएंगे तो अपने आप ही ऊपर सरफेस में आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक गए हैं अंदर से। मेरा ये मैक्रोनी बॉयल हो रही है, हमने दूसरी तरफ जो सब्जियां ली हुई थी उसको सॉटे कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला और राई दाना, थोड़ा सा जीरा, ये जो मेरी जितनी भी सब्जियां थी उसको ऐड कर दिया। ये
इसको बस हमें सौते करना है। और अब इसमें जितने भी मसाले थे और नमक वो ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक मैं कवर कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए सारे सरफेस पे ऊपर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये कुक हो चुका है। अब मैं इसको छान लूंगी। अब मैं जो वेजिटेबल्स को सॉटे कर रही हूँ मैं उसमें मिक्स करूंगी इसे। मैंने इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप इसमें पिज्जा सॉस भी डाल सकते हो जैसे कि मैक्रोनी में पड़ता है, बट मैं इसको कम्प्लीटली हेल्दी इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ। तो अब ये देखिए ये हमारे प्रॉपर मिक्स हो गया है, पक गया है। अब मैं जो मैक्रोनी थी उसको डाल दूंगी। आटा मैक्रोनी रेडी है। आपने मार्केट की मैक्रोनी तो बहुत खाई होगी, बट घर की बनी हुई मैक्रोनी वो भी आटे की बनी हुई कभी नहीं खाई होगी। तो प्लीज ट्राई इट, एंड आपको ये कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।